किसान भाइयों नमस्कार, मैं अमित चौहान, चौहान एग्रो फार्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है गन्ने की वैरायटी। आप देख पाते हैं आजकल पूरे भारत में ही लगभग 90% CO0238 की मांग है और वहाँ ज़्यादातर यही गन्ना बोया जा रहा है, पर इसमें समस्याएँ बहुत है। इसमें रोग की समस्याएँ हैं, इसमें खाद की समस्याएँ हैं, बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन अब मिल ने भी और सरकार ने भी दूसरी वैरायटी पे काम किया है। अलग अलग संस्थानों ने अलग अलग वैरायटी पे काम कर रहे हैं। COS 13235 इस वैरायटी को हमारे किसान भाई ने लगाया है और हम देख भी पा रहे हैं काफ़ी शानदार ये वैरायटी खेत में चल रही है, क्योंकि इन्होंने पहली बार ये इस वैरायटी को लगाया है। और इनसे हम पूछेंगे बीज कहाँ से लाए और इन्हें कैसे पता चला और इसमें क्या क्या इन्हें समस्याएं और क्या क्या इन्हें लाभ हो रहा है। तो सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले किसान भाइयों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम नरेंद्र कुमार, गांव बाबूपुर नगली, देवबंद और जिला सहारनपुर। अच्छा सर, जैसे कि आपने ये वैरायटी लगा रखी है जी, आम भाषा में तो 13235 बोल देते हैं या 235 बोल देते जी, हैं जी, किसान जी। तो शॉर्ट में ही चलता है। हाँ जी। आपने ये वैरायटी कब लगाई थी? 2 मार्च में लगाई थी। 2 मार्च को जी। तो आपको इसके बीज आप कहाँ से लाए? इसका बीज हम हमारे यहाँ से 50-60 किलोमीटर एक गांव बिलासपुर है जी जी। तो वहाँ से हम इसका बीज लाए थे अपने रिश्तेदार के यहाँ से। यानी कि अपनी रिश्तेदारी में से बीज लाए जी सर। अच्छा, जैसे कि हमें सुनने में भी आया इसका बीज बहुत महंगा बिका इस बार जी, तो आपको ये बीज क्या रेट मिला? सर हमें तो ये बीज समझो कि मील वाले रेट ही मिला है। मील वाले जी, 350 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। अच्छा अच्छा जी। ऐसा क्यों? क्योंकि या तो रिश्तेदारी की तरफ से या कोई भाईचारा की, यानी कि रिश्तेदारी की शर्म है, उन्होंने कहा भाई तू इसी रेट ले जाओ। जी जी जी। अच्छा सर, इससे पहले कौन कौन सी वैरायटी यूज कर रहे हैं? इससे पहले तो हम एक ही वैरायटी यूज करते थे जी, 0238। अच्छा जी। तो और इस बार मैंने 3 अलग अलग वैरायटी लगाई है जी। एक तो 13235 जी, 0118 जी और 0 अच्छा 15023 जी। अच्छा, और 0238 भी लगा इस बार? हाँ, 0238 भी लगाया। अच्छा, तो क्योंकि अभी तो वो पूरा उसमें नहीं आया, अभी तो वो बीज के लिए ही बोया। अच्छा, जितनी वैरायटी बोई बीज अच्छा, के लिए जो नई वैरायटी बोई है आपने वो सिर्फ बीज के लिए बोई जी सर। तो आपको इस वैरायटी में क्या खासियत लगी जो आपने 13235 लगाई है? देखिए सर, इस वैरायटी में मैंने अब तक जब से बोया जी, अब तक इसमें एक पानी लगाया जी, और एक भी या तो ना कोई दवाई, ना कोई खाद, ना कोई डाई, इसमें अब तक कुछ नहीं डाला जी। बस एक सिर्फ पानी और एक बुआई जी। और इसकी ग्रोथ देखो कितनी अच्छी चल रही है, फुटाव भी बहुत अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी, काफ़ी ग्रोथ आ रही है जी। अगर सर जैसे कि आप कह रहे हैं एक ही पानी लगाया जी, इसी की अपेक्षा अगर हम ये 0238 की का वैरायटी होती तो उसमें कितने पानी लग जाते हैं? सर उसमें पानी तो 2 लग जाते हैं। हाँ। लेकिन दो ये बार बीज वो खाद और दवाई लग जाती, करना पड़ता स्प्रे प्लस कनसवा उसमें जो बहुत जल्दी आता है सर। हाँ, हम देख पा रहे हैं आपका खेत सूखा ही है अभी जी, और इसमें कोई कोनेसवे की समस्या नहीं है जी। तो इसी वैरायटी में ये लाभ है आपको जी। इसमें देखियो सर अभी तक कितना अब तक भी कोवे निकल रहे हैं। अब अच्छा। तक भी कोवे मतलब निकल रहे, फुटाव इतना हो रहा है कि फूट रहा है बहुत अंदर से। जब गन्ना जितना ज़्यादा फूटेगा उतना फायदा किसान को जी। अगर सर हम जैसे कि बात करें, आप तो कह रहे हैं कि फ्री बराबर ही आपको बीज पड़ा है जी, अगर आप ये अगर इसकी वो बताएं कि एक बीघे में कितना निकल जाता है, इसका कोई आपको जानकारी है? सर बीघे में तो अब तक इसकी कोई जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि अब तक ये ना तो मिल में गया किसी के यहाँ से और ना कहीं चरखे में, क्योंकि ये तो मतलब बिना तुला लाए थे हम अंदाज करके। अच्छा। आध बीघे का बीज। अच्छा। आधा बीघे का बीज। अच्छा, अंदाज से लिया है, इतनी पुड़ी लिया है, इतने में लग जाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, यानी कि जिसने भी किसान ने लगाई तो बीज के लिए लगाई जी। अगर सर हम इस गन्ने की लंबाई देखें, आप जैसे इसमें गन्ने को लाए थे, लगभग इसकी लंबाई कितनी? इसकी लंबाई सर मैं 10 फीट की थी जिस टाइम पे बीज लेके आया था ये मार्च में। हाँ जी, और उन्होंने भी ये कहा था कि हमने जितना 0238 में वो खाद और दवाई लगाई है इसमें इतना नहीं लगाई। यानी कि इसमें खाद की भी कम मतलब लागत कम लगती है और पैदावार ज़्यादा जी। तो सर इस वैरायटी के बारे में और किसान भाइयों को बताइए कि वो जागरूक हो गए, अलग वैरायटी का यूज करें। मेरा मानना तो ये है कि ये वैरायटी मुझे लगता है कि 0238 को फैल कर देगी जी, क्योंकि इसमें सोती नहीं है, 0238 में सोती आ गई। अच्छा अच्छा। और इसकी वजन हाँ। और इसकी लंबाई को देखते हुए 0238 से बेहतर है ये।
अच्छा, यानी कि जीरो और डिस्को, क्या ये एक दूसरा विकल्प मिल गया आप किसानों को? जी लगता है इससे किसान माला माल हो जाएंगे। इससे किसान माला माल हो जाएंगे जी। अगर हम इसमें पैदावार तो अभी कह नहीं सकते, जब आपका निकलेगा जब ही पता चलेगा, क्योंकि आपने भी ये बीज के लिए निकाल जी। सर जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये लाइन में जो वैरायटी खड़ी है, इसमें फुटाव भी काफ़ी अच्छा हो रहा है जी। इसका फुटाव भी अच्छा रहा है सर, और जहाँ से मैं लेके आया था ये जी जी, तो मैंने वहाँ फ़ोन करके पूछा कि इसकी पेडी कैसी होती है जी, मतलब उनके पास तो पेडी है जी। तो उन्होंने कहा कि पेडी में इतना बढ़िया फुटाव हो रहा है और इतना रंग आ रहा है कि हरा, बिल्कुल गोला हरा है। अच्छा, इसमें पेडी भी इसकी शानदार है। और अगर इसकी अगोले की बात करें हम, जैसे किसान भाइयों को अगोले की भी समस्या आ रही थी 38 में, इसका अगोला सर इतना अच्छा है कि मतलब 38 जब आया था बीज उसमें बिल्कुल भी अगोला नहीं था जी। और जब हम इसको लेके आए थे इसमें अगोला बहुत अच्छा था जी। तो यानी कि इसमें किसानों के पशुओं के लिए चारा भी काफ़ी अच्छा है। हाँ जी, और हमारे यहाँ पे आए थे मिल के भी आदमी आए थे जी जी, तो उन्होंने भी देख के गए थे ये वैरायटी, कह रहे थे बहुत अच्छा है, आने वाले टाइम में 13-235 कोई बढ़ावा मिलेगा जी। अच्छा सर, और किसानों भाई को आप क्या कहना चाहेंगे इस वैरायटी के बारे में? किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा जी कि इसको 13-235 को ही अगले साल बोए, इससे किसान को बहुत फ़ायदा होगा और मालामाल हो जाएंगे किसान मालामाल हो जाएंगे जी। मुझे लगता है ये 0238 को फैल कर देगी जी। किसान भाइयों, आपने देखा हमारे साथ नरेंद्र जी जुड़े हुए थे, उन्होंने कितनी अच्छी आपको जानकारी दी और वैरायटी के बारे में काफ़ी शानदार बताया। देख सकते हैं आप कितनी अच्छा यहाँ पर ये खड़ी हुई है, और कुछ यहाँ पर आप हम नुकसान भी देख रहे हैं इसमें, जैसे कि बछड़े बुछड़ों ने खा ली, जैसे डंगरों ने भी इसमें मुंह मार रखा गया। हाँ जी, ये गांव के पास है ना। अच्छा अच्छा, तो गांव के करीब है, तो यहाँ पे जो बछड़े छुटे हुए हैं उन्होंने बहुत खा रखी है ये। अच्छा, उसके बाद भी काफी शानदार, उसके बाद भी देख लो ऐसी है। किसान भाइयों, आपने देखा नरेंद्र जी ने हमें कितनी अच्छी जानकारी दी वैरायटी 13-235 के बारे में, और उनके यहाँ काफी अच्छी खड़ी हुई भी है। कोई भाई अगर अगले साल इनसे बीज भी लेना चाहे तो वो भी इनके नंबर पर कॉल करके बीज ले सकता है, और इस वैरायटी को अधिक से अधिक बढ़ावा दें, क्योंकि इसमें अगोलिया भी काफ़ी शानदार है, और 238 जो किसान नहीं लगाना चाहता उसका विकल्प भी ये मिल चुका है। तो किसान भाइयों, यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।